सो हेलो गाइस, ये है 2023 का सोनी का ब्रांड न्यू मॉडल X75L। जी हाँ, ये मॉडल 2022 के X75 के मॉडल का रिप्लेसमेंट है। और फीचर्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर फीचर्स वही रहेंगे जो X75 के टीवी में थे। और प्रोसेसर की बात करते हैं तो वही आपका X1 प्रोसेसर आएगा, जो कि यार पहले ही काफ़ी टीवी इतना एडवांस कर रखा है सोनी ने लास्ट ईयर। तो मतलब इस साल क्या, मतलब ये स्टार्टिंग मॉडल है एक तरह से कह सकते हो आप सोनी का, तो उस हिसाब से बहुत एडवांस टीवी है यार। बाकी फिर भी सोनी ने इस साल एक और अच्छी चीज़ ऐड कर दी है अपने इस मॉडल में, वो है ऑटो लो लेटेंसी मोड, ALLM मोड। बेसिकली ये फीचर आपका प्ले स्टेशन के लिए, गेमिंग वगैरह के लिए है। सो जैसे कि आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर जैसे आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है तो वहाँ पर ये ऑटो लो लेटेंसी मोड काम करता है, वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा मोशन काफ़ी हद तक प्रोवाइड करता है। बाकी मैं उस लेवल तक भी नहीं कह सकता क्योंकि जो आपका टीवी है वो 60Hz पे ही काम कर रहा है, तो उस लेवल तक नहीं जाएगा। उस लेवल पे आपको खेलना है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, तो आपको तो 120Hz का कोई टीवी लेना पड़ेगा, जैसे X90K हो गया और 2023 का जो आएगा X90L हो गया, वो 120Hz पे काम करता है, वो आप ले सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। डिज़ाइन आपका पीछे से भी मतलब ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वही आपका, और जो दो USB दे रखे हैं, दो HDMI पोर्ट दे रखे हैं, ठीक है, तो वो आपका सेम रहेगा। एंड यस, जो सोनी का इस साल X75L टीवी है उसके साथ ये रिमोट आएगा, 6 होटकीज़ के साथ आएगा, ठीक है, काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आएगा, छोटा रिमोट आएगा। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ लास्ट ईयर के X75K मॉडल से, तो वहाँ पर आपको एक लंबा सा रिमोट मिलता था, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिमोट मिलता था आपको, ये मैं पर्सनली अपना बताता हूँ कि मेरे को भी लगता था कि यार ये चेंज होना चाहिए, मतलब इतना लंबा रिमोट, मतलब तो कोई बात नहीं, इस साल उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। सो जो X80 के टीवी में आता था आपका रिमोट, वो मतलब उसी टाइप का मिलेगा आपको, बट दो हॉट कीज़ और ऐड हो गई हैं गाइज। सो बेसिकली यही था इस टीवी में जो मेन डिफरेंस था, मतलब नई चीज़ जो आई थी, ऐड ऑन हुई थी। तो अगर आप चाहते हैं इस टीवी के कंपैरिजन में कोई सैमसंग का या LG का आपको साथ में दिखाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।